हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की रीडिंग है, क्विक एनर्जी अपडेट है, कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, दिल वर्सेस दिमाग। ठीक है, सो आज हम देखेंगे, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, आपके माइंड में जो पर्सन है, जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिनके बारे में आप रीडिंग को देखना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, देखेंगे वो आपके लिए उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। सो गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करें। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन आपको नजर आ रहा होगा। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी रीडिंग जो है वो मिस ना कर सकें, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको गाइडेंस मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, सो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उन पर फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, देखते हैं उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं देखूंगी उनके दिल में क्या चल रहा है आप लोगों के लिए, फिर देखेंगे वो दिमाग में क्या चल रहा है। सो लेट्स सी, मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। आपका सिचुएशन कुछ भी है, आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे लीस्ट कॉन्टैक्ट है, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, चाहे सेपरेशन है अपने हस्बैंड वाइफ, अपने एक्स, अपने लवर के लिए, अपने किसी फियोंसी के लिए, हस्बैंड वाइफ, कोई भी पर्सन हो सकता है। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के रीडिंग को देख रहे हैं उनके दिल में इस टाइम क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके दिल में क्या चल रहा है। फर्स्ट है गाइस हमारे पास टेम्परेंस, सैगिटेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स, सीरीज लियो सैगिटेरियस, देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बॉटम ऑफ द रैक है टेन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। राइट नाउ तो जो ऐसे नज़र आ रहा है, जैसे इस पर्सन के दिल में आप लोगों को लेके काफ़ी ज़्यादा एक कह लें हलचल सी मची हुई है, दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब और वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को यूनियन करने के लिए, आप लोगों को अपने दिल की बात बताने के लिए, आप लोगों के साथ एक हैप्पी मोमेंट स्पेंड करने के लिए, इस पर्सन के अंदर जितनी हलचल मची हुई है ना, जितना जल्दी ये पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहता है, या जितना जल्दी आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा इस पर्सन को लग रहा है जैसे टाइमिंग डिले होती जा रही है। और ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से इनको जो है ना वेट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इसके दिल में एक कह लें आपके हलचल सी मची हुई है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब बाय हार्ट, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है इस पर्सन को अंदर से। इस पर्सन का दिल एक बहुत ज़्यादा एक आप कह लो कि फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है ये पर्सन, इसको ऐसी महसूस हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को वेट करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बेसब्रा सा ये पर्सन है, सब्र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों को लेते हुए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ रहा है, जबकि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा क्विकली हर चीज़ के बारे में क्विकली डिसीजन करने वाला है, क्विकली हर चीज़ करने वाला है। लेकिन आप लोगों के साथ यूनियन करने के लिए, आप लोगों के साथ सब कुछ ठीक करने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये पर्सन आपके लिए आपके लिए क्या फील कर रहा है या आपके लिए क्या चाहता है, वो बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन को उस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ रहा है। और इंतज़ार करना किसी को भी आई थिंक अच्छा नहीं लगता, पेशेंस की जहाँ बात की जाए सब भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हमें सब्र करना पड़ेगा, हमें पेशेंस करना पड़ेगा, तो समथिंग लाइक दिस, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन दिल से हील नहीं है। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें हैं लाइक अभी ये पर्सन बैलेंस नहीं है बाय हार्ट, सो उस वजह से भी शायद चीज़ें इतनी मैसी हो रही हैं, इस पर्सन को महसूस हो रहा है, अपना आप इस पर्सन को ऐसे महसूस हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। एक इस पर्सन के अंदर दिल में ही ना दिल और दिमाग की ऐसा लगता है जंग चल रही है इस पर्सन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चल रहा है भाई आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आप लोगों को लेके, दिमाग में क्या चल रहा है। फर्स्ट है हमारे पास द चैरियट, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फिर हमारे पास द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे, एंड लास्ट पे हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अच्छा जी, दिमाग की बात आई है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होके दिमाग में तो सोच रहा है आप लोगों को लेके। देन वी हैव थ्री ऑफ वैंड्स, यस गाइस आप लोगों के जो पर्सन है ना वो दिमाग से जो है ना उनका दिमाग क्या चल रहा है इस टाइम, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन की ईगो भी बीच में आ रही है आप लोगों के जो रिलेशनशिप है या जिस तरह का भी आपका कनेक्शन है ना, इस पर्सन की ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा अपने आप को रोक लेता है।
काफ़ी प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, बट डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और दिमाग से काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल वे में सोच रहे हैं। दिल से तो इमोशनल है लेकिन दिमाग से लॉजिकल है। दिल और दिमाग की, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जंग चल रही है इस पर्सन की। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं या बोलना चाहते हैं ना दिल की बात, लेकिन इस पर्सन की ईगो, जो दिमाग होता है, वो पॉलिटिक्स टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, वो इस पर्सन को रोक लेती हैं और ये पर्सन आ नहीं पाता, जबकि ये वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दिमाग से भी इस पर्सन को वेट करना पड़ रहा है और दिल से भी वेट करना पड़ रहा है, बट इनकी प्लानिंग यही है कि ये पर्सन जो है ना आप लोगों के साथ है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिज की एनर्जी भी आ गई है और फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। ये पर्सन आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता, आप में एक लाइफ देख रहा है, अपनी लाइफ देख रहा है प्रैक्टिकल वे में भी, अगर लॉजिकल हो में। अगर आप ये पर्सन अपने इमोशंस को साइड पे रख के प्रैक्टिकली भी देखता है ना, तो इस पर्सन को आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती और डेफिनेटली इस पर्सन को फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है हर तरह से। सो ये एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ। सो दिमाग से इस पर्सन की यही आप लोगों को कहना है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा डेफिनेटली, बिकॉज ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, ठीक है। रिजिड है, ईगोइस्टिक है, ईगो की वजह से जैसी फीलिंग्स इनकी होती हैं वो वैसे ही कन्वे नहीं कर पाते, थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं, थोड़ा सा कोल्ड हो जाते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन आपके लिए इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ब्राइट फ्यूचर भी देखते हैं, ठीक है। रखना भी चाहता है ब्राइट फ्यूचर और अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ, ओके। सो शादी के चांसेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन माइंड में ना आप लोगों को लेके शादी करने के बारे में भी सोचता है, बिकॉज़ ये फ्यूचर देखता है आप लोगों के साथ और इसको लगता है कि किस्मत में शायद आप लोगों का साथ लिखा हुआ है इस पर्सन के लिए और आप एक हो सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल है आप लोगों दोनों के इस कनेक्शन में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप से रेजोनेट की हो, पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।